वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में विषय स्वर्ग से सुंदर अजमेर व सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर फोटो भेजने वाले प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार मुकेश परिहार पृथ्वीराज चौहान की टेकरी से फोटो, द्वितीय पुरस्कार बालकिशन झा अनासागर का विहंगम दृश्य, तृतीय पुरस्कार किशन ओझा पृथ्वीराज स्मारक प्रतिमा और आदित्य विजयवर्गीय ज्ञानोदय तीर्थ नारेली। सभी विजेताओं को 25 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर शाम 6 बजे होने वाले मुख्य समारोह में नगद राशि व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के अंतर्गत शनिवार 24 मई को सुबह 8:30 बजे से पटेल मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी तरह पंचिल में ग्लोबल कॉलेज के नजदीक करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के आयोजन में शुक्रवार को मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक महेन्द्र सिंह चौधरी का धनुर्धर विपिन कुमार शुक्ला ने तीर कमान से माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं जिला पुलिस कप्तान ने तीर चलाकर निशाना भी साधा और बंदूक चलाकर लक्ष्य को भी भेदा। विपिन कुमार शुक्ला ने सैकड़ों गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में एक तीर से दो निशाने लगाना, आवास पर तीर चलाना सहित कई तरह के हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को अचंभित कर दिया। शुक्ला ने बताया कि तीरंदाजी में एकाग्रता की काफी आवश्यकता होती है, इसमें जादू मंत्र का कोई काम नहीं। शूटिंग अकेडमी अभी 21 तारीख को शूटिंग कंपटीशन प्रारंभ की थी जो 25 को संपन्न होगा। इसी दरमियान में आज जिला पुलिस अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी ने यहाँ आर्चरी क्लब तीर अंदाजी का भी एक्टिविटी का शुभारंभ किया है तीर चला के, और ये अजमेर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों को यहाँ राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग और अब साथ साथ आर्चरी जिसको तीर अंदाजी कहते हैं इसकी एक्टिविटी की यहाँ सुविधा होगी। और अभी करीब 40 सदस्य हैं इस एकेडमी में। अजमेर इतना अच्छा लगा है यहाँ पे, जो हमको प्लेयर आज तक मिल रहे हैं अपनी एकेडमी में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पूरा अपना दिमाग और दिल से सीखने के लिए बहुत चाहते हैं तो आते हैं हमारे पास। तो सब बोल भाषा चाल सब उनकी ऐसी लगती है हाँ ये अपनी पृथ्वीराज चौहान की जन्मभूमि पे बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। अच्छे इनमें बहुत बढ़िया इनमें हौसला है और इस हौसले से जो हमारे पास जो लड़के आते रहे बहुत आगे जाएंगे और कुछ अपना अजमेर का और अजमेर से आगे अपने इंटरनेशनल नेशनल में बंदा अपना पूरा हिस्सा लेगा।